खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंचांग से। सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज 25 फरवरी दिन सोमवार फागुन कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो मध्य रात्रि 4:47 तक चलेगी। आज विशाखा नक्षत्र है, रात्रि 10:08 तक रहेगा। आज जिन बच्चों का जन्म होगा उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर होगा ती, तू, ते और तो। आज ध्रुव योग है 11:58 तक और चंद्रमा आज तुला राशि में है सायं 4:02 तक। उसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज सूर्य भगवान कुंभ राशि में चल रहे हैं। आज बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ से मीन राशि में जाएंगे प्रातः 9 बजे। बुध की मीन राशि नीच राशि है। आज का राहु का रहेगा प्रातः 7:35 से लेकर 9:05 तक। आज का दिशासूल पूर्व दिशा में आज दिशासूल है। अति आवश्यकता में ही पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए और प्रभु का स्मरण करके मिष्ठान भोजन करके यात्रा आरंभ करें। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज रवि योग चल रहा है, सूर्य उदय से रवि योग प्रारंभ हो गया है। आज का शुभ समय प्रातः शुभ चौघड़िया रहेगा 9:45 से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद लाभ का चौघड़िया रहेगा 11:15 से लेकर 12:20 तक। और सायंकाल भी अमृत चौघड़िया है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। कोई भी प्रकार का मंगल कार्य, वाहन खरीदना हो, जमीन जायदाद का कार्य करना हो, अमृत चौघड़िया अति उत्तम है। उसकी शुरुआत होगी सायं 5:05 से लेकर साय 6:10 तक। आज का पंचांग आचार्य जी ने बताया। राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज के राशिफल के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है, कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आचार्य जी आज का राशिफल भी बता दें। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा। वृक राशि के लोगों का दिन आज अपनों से सुख मिलेगा। किसी दूर के रिश्तेदार अथवा मित्र से आज मुलाकात हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों का आज यात्रा का योग बन रहा है, खर्च में अधिकता होने से थोड़ी परेशानी हो सकती है। कर्क राशि के लोगों का आज अपने आसपास के लोगों से सावधान रहे, कोई रिश्तेदार या खास मित्र आज आपको धोखा दे सकता है। सिंह राशि के लोगों का आज व्यापार में अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, काम में व्यवस्था के चलते थोड़ी थकान महसूस करेंगे। कन्या राशि के जातक रोजगार के क्षेत्र में आज सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अपने काम की प्रशंसा होगी। तुला राशि के लोगों का आज मेहनत का फल मिलेगा, व्यापार में नए निवेश के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के लोगों का आज का दिन सकारात्मक रूप से गुजरेगा, अपने करीबियों का सहयोग मिलने से आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। धनु राशि के लोगों का आज का दिन लाभदायक रहेगा, पुराना अटका हुआ धन आज मिल सकता है, व्यापार में भी अतिरिक्त लाभ होने की संभावनाएं हैं। मकर राशि के लोगों का दिन आज सोच समझकर फैसले लें, कोई नया काम आज शुरू न करें, नहीं तो निराशा आपको हाथ लग सकती है। कुंभ राशि के लोगों का आज का दिन व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में सफलता हाथ आएगी, सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है।
मीन राशि के जातकों का दिन पुराना अटके हुए कार्य आज पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यापार में निवेश करने का अवसर बहुत अच्छा है। आज का राशिफल आचार्य जी ने बताया। राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहने वाला है, कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं और किन कार्य से आज आपको बचना चाहिए। तो पहले दर्शक हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं संतोष। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संतोष जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हम अपने नसीब के बारे में पूछना चाह रहे हैं। बोलिए पूछिए। जी हाँ, हमारा समय बड़ी खराब जा रहा है। समय बोलिए जिसके बारे में पूछना है। समय बहुत खराब जा रहा है। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए, जन्म दिनांक बोलिए, समय बोलिए। 14 मार्च 1967। हाँ जी। 11:30 रात में। ये आपका है? जी हाँ। बिल्कुल, थोड़ा समय ढीला चल रहा है, शनि का प्रकोप चल रहा है आपके ऊपर, इसलिए जब भी शनि का प्रकोप चलता है तो धन में हानि, कार्य क्षेत्र में रुकावटें, कोई भी कार्य बनता नहीं, सभी काम बिगड़ते रहते हैं और आपसी तालमेल की भी परिवार में कमी होती है। तो शनि के उपाय करने चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सब समय एक जैसा नहीं होता, थोड़ा समय है निकाल दीजिए, क्योंकि शनि महाराज केवल परीक्षा लेते हैं। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो आपका सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, धन आगमन भी होगा और सब प्रकार से आपके घर में मंगलमय होगा। थोड़ा शनि की परीक्षा को आप सफलतापूर्वक कीजिए, धैर्य रखिए, प्रसन्न रहिए और आपसी विवाद घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसी विवाद होने से, क्लेश होने से, झगड़ा होने से जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है, उस समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। तो सबसे बड़ी बात है धैर्य रखें, प्रसन्न रहें, सब बैठकर आत्मचिंतन करें कि किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, बीमारियां ठीक हो सकती है। फिर भी उपाय के तौर पे आप शनि महाराज का उपाय करें, लोहे का दान शनिवार को जरूर करें। और शनि महाराज का एक विशेष उपाय है, लोहे का छाया पत्र लें, उसमें तेल डालें और सभी घर के सदस्य उसमें शनिवार को मुंह देखें और वो डकोत को दें। ये करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले दर्शक भिवानी से हमारे साथ नरेश जी जुड़ गए हैं। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आचार्य जी। जय माता, जय माता। जी सर, मैं अपने मेरे फादर के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। बोलिए। फादर का नाम है श्री बलवान शर्मा। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1960। तो उनके कारोबार थोड़ा धीमा चल रहा है सर। बिल्कुल, 24/10/1960। देखिए पिछले 14 महीनों से इनका केतु खराब चल रहा है, परंतु थोड़े दिन की बात है केतु ठीक हो जाएगा। 25 मार्च को राहु केतु दोनों अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं। जिन लोगों का व्यापार कई दिनों से, कई महीनों से खराब चल रहा था, उन्हें उम्मीद है कि 24 मार्च के बाद यानी 25 की प्रातःकाल उनका कार्य चलना शुरू हो जाएगा, नई योजनाएं बनेगी। क्योंकि जब भी राहु केतु खराब होते हैं योजनाएं जो होती है वो अच्छी नहीं बनती। इंसान प्रयास करता है परंतु सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो जैसे ही राहु केतु अपनी स्थिति बदलेंगे आपके पिताजी का कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। योजनाएं अच्छी बनाएं, धैर्य रखें और राहु केतु का पाए तब तक 1 किलो जौ शनिवार को जल प्रवाह करें। ये 5 बार करें, इससे आपको फर्क नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी, आज हमारे जितने भी दर्शक हैं जिनका जन्मदिन है उनका दिन भी जान लेते हैं कि किस तरह का रहने वाला है। सभी को खबरें अभी तक की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी से आपका दिन भी जान लेते हैं कि कैसा आपका दिन रहने वाला है, आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होगा। आचार्य जी बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है उनको सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्णम कुशलम करोतु, भगवान श्री कृष्ण आप सबको खुश रखे
लक्ष्मी सदा तिष्ठतु, लक्ष्मी माता हमेशा आपके पास रहे, क्योंकि ये युग है जो कलयुग है, लक्ष्मी प्रधान युगी है, लक्ष्मी है तो सब कुछ है। तो माता रानी जिनका जन्मदिन है आपके पास, लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करें। आज जिनका जन्मदिन है मैं उनका वर्षफल देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्षफल रहेगा। बुध की स्थिति इस वर्षफल में आपके बहुत बढ़िया आ रही है। बुध जब भी बढ़िया होता है इंसान का दिमाग बहुत चलता है, योजनाएं बनती है, और 2 का 10 करने में बहुत कम समय लगता है। तो ये जो साल है आपका प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष अच्छा होगा, प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यो रोजगार आपको पक्का मिलेगा। अविवाहितों के लिए खुशखबरी है कि उनका विवाह की योजना बनेगी और वो सिरे चढ़ जाएगी। थोड़ा सा वर्ष फल में मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा राहु की पोजीशन खराब है, इसलिए थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और अपनी वाणी पे विशेष रूप से संयम रखें, धैर्य रखें, क्योंकि जब भी राहु वाणी पे बैठता है वाणी को खराब कर देता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, दोस्तों से मतभेद हो जाते हैं। जी, जिनका जन्मदिन है उनके लिए आचार्य जी ने बताया कि कैसा उनका दिन रहने वाला है और क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए। अगले दर्शक पंजाब से हमारे साथ गुरमीत जी जुड़ गए हैं। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, कार्यक्रम में जुड़ गए हैं गुरमीत जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बिजनेस में सही चल रहा है अपना, कारोबार में तरक्की नहीं बढ़ती। नाम जन्म दिनांक बरा बोलिए। हाँ जी, 27 जून 1974 जी। बिल्कुल ठीक है, देखिए जून 1974 जी। हाँ बिल्कुल, 27 जून 74 में लिख लिया आपकी, मैं कुंडली देख रहा हूँ। गुरमीत सिंह जी। हाँ गुरमीत सिंह जी, मैं देख रहा हूँ आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के ग्रह तो अच्छे हैं आपके, हिम्मती इंसान हैं और आपके अंदर एनर्जी है कुछ करने की। जिसके अंदर एनर्जी होती है, एक लक्ष्य जो आदमी साधता है, वो कभी ना कभी कामयाब जरूर होता है। आप एक सफल इंसान बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे। थोड़ा समय ढीला है, कोई बात नहीं, 3 महीने की बात है, उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा आ जाएगा। पैसा आगमन का समय आ रहा है, यानी 3 महीने बाद जो ग्रह आपको पैसा देना शुरू करेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कुछ नए साझेदार आपको मिलेंगे, उनको आप विचार करना, उनको स्वीकार कर लेना, क्योंकि साझेदारी में आपको फायदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया।